हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो है हमारी एसे राइटिंग को लेकर। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी नो डाउट, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है ये टॉपिक। एसे राइटिंग को लेकर भी हो सकता है, ये आर्गूमेंट राइटिंग को लेकर भी हो सकता है, और रिपोर्ट राइटिंग को लेकर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूसिव वे में देखेंगे, प्रॉपर डिटेल देखेंगे, पर मैं यहाँ पे एसे राइटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आज दिन है हमारा एसे राइटिंग को लेकर। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? आखिर एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो देखो भाई, आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिमांड में था, और इसकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे, इस वीडियो को पसंद जरूर करोगे, लाइक करोगे। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो प्लीज आप लोग उसे कमेंट करके जरूर बताना। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं, मैं वो सारी चीजें यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों को, सबको पहुंचाओ, ताकि सब तक नॉलेज पहुंचे। एंड प्लीज, थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, तो इस हॉट टॉपिक पर कोई गर्म मत हो जाना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेडली सोचो, थोड़ा सा एक एज अ एस्पिरेंट सोचो। आपको एक नागरिक के तौर पर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर, देश के एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पर आपको इस चीज को समझना होगा, जानना होगा कि क्या ये चीज है, यूसीसी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में आता है, क्या बताता है ये हमें, ये हमें किस तरीके से एक समान नजर से देखता है, ये हमारे साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये सारी चीजें आज फाइनली हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नो डाउट आप लोग न्यूज में लगातार सुन रहे होंगे, न्यूज में बहुत सारी डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। आपने सुना होगा कि भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, तब उन्होंने भी ये चीज कही थी कि सबसे पहले अगर हमें कुछ करना चाहिए तो वो हमें क्या करना चाहिए, यूसीसी को लागू करना चाहिए। ये उनके अपने शब्द थे, उनके अपने विचार थे, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी करता हूँ कि हाँ भाई, बिल्कुल यूसीसी को यहाँ पर लागू करना चाहिए था। नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ा, मतलब बोला जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। जिस समय भारत में जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो उनसे भी कहा गया कि कब इसको लागू किया जाएगा, तो उनका मानना ये था कि जब तक भारत के जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के बराबर ना आ जाएं, जब तक भारत के मुसलमान हिंदुओं के बराबर ना आ जाए, उनकी विचारधारा हिंदुओं के समान ना हो जाए, तब तक इस यूसीसी को लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता, उनका मानना कुछ इस तरीके का था। पर आपको पता है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, हमारे देश में ही कई ऐसे धार्मिक नेता हैं मुसलमानों में, जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को गलत डायरेक्शन में बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें गलत डायरेक्शन में धकेलने का काम कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ केवल कुछ धार्मिक नेता नहीं, कई राजनीतिक नेता भी ऐसे हैं जो इस चीज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विचारों को, अपनी राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो यूसीसी जो है वो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, यहां पर थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के विचारों को रखना, कोई भी गलत भावना यहां पे प्रेजेंट नहीं करनी। आपको कमेंट, मैं चाहता हूं आप लोग यहां पर अपनी बातें भर भर के लिखो, कमेंट सेशन को भर दो पूरी तरीके से, जितनी हो सकती है उतनी बातें आप यहां पे डालो, खूब भर भर के आप बातें लिखो कि आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट हैं, क्या विचार हैं यूसीसी को लेकर, सारी बातें लिखो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि ये यूसीसी जो है वो क्या भारत के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून के बारे में आता है। ठीक है, एक समान, मतलब यूनिफॉर्म एक लॉ लाने की बात करता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष से आता हो, हर किसी के लिए एक जैसा कानून लगाने की बात करता है यहां पर। साथ ही साथ यहां पर क्या, जो भी डाइवर्सिटी है उसको भी ये क्या करता है, काफी हद तक रिस्पेक्ट करता है। लोग ये गलत भावना फैला रहे हैं कि ये डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, ये जो शेड्यूल ट्राइब रीजन के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, अन्य धर्मों के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। पर अजीब बात क्या है, इंडिया में मुसलमानों के अलावा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जो इसका विरोध कर रहा हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो कानून यहां पर क्या, लोगों को एक जैसी नजर से देखता है, यहां पर क्या करता है, एक आइडल स्टेट लेकर आता है ये, जहां पर ये लोगों को क्या करता है, एक जैसी कंडीशन में देखने की कोशिश करता है,
हर किसी रिलीजन के जो पर्सनल लॉ होते हैं उनको साइड में रखकर क्या एक जैसा बर्ताव करता है सभी के साथ। आप लोगों ने बड़ा एक सही एग्जांपल सुना होगा यूसीसी को लेकर, कहा जाता है कि ठीक है अगर हिंदू सिख क्रिश्चियन ये सब जो है अगर इनमें से कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए 6 महीने की या साल भर की पनिशमेंट, और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चोरी करता है तो उसका शरीयत के अकॉर्डिंग उसके हाथ काट देने चाहिए। आप खुद सोचो, तो पुराने टाइम पर क्या होता था वही वाला हिसाब था, आंख के बदले आंख, ठीक है वो वाला हिसाब था। और शरीयत जो कानून है वो एक्चुअल में इसी पर चलता है कि अगर मेरे घर में चोरी किए तो मैं तेरे घर में चोरी करूंगा, तूने घर में चोरी किए तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। शरीयत इसी हिसाब से चलती है, इस्लामिक जो कानून है शरीयत जो है वो इसी हिसाब से चलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो आज के टाइम पर आज की सिनेरियो में ये चीज क्या नेगेटिव है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, जब आप कहीं पर देखो दो तरीके के केस होते हैं है ना, दो तरीके के केस होते हैं, एक होता है सिविल केस, ये सुना होगा आप लोगों ने, एक सिविल केस होता है और एक होता है क्रिमिनल केस, ठीक है क्या क्रिमिनल केस। अब सिविल केस और क्रिमिनल केस में फर्क क्या है, सिविल केस होते हैं दो व्यक्तियों के बीच में, और क्रिमिनल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की हत्या कर दी, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूं मैं, इंडिया के ध्यान रखना हम लोग बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। तो क्रिमिनल केस में क्या होता है, बाकी जगह पर तो जो इस्लामिक कानून है इस्लामिक कानून में यही माना जाएगा ये पर्सन टू पर्सन डील किया जाएगा, पर्सन टू पर्सन ही डील किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ठीक है। सिविल केस तो पर्सन टू पर्सन होता है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। पर ये तो हो गया इस्लाम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू शरिया, यहां पे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, पर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी जो सरकार है वो किस हिसाब से चलती है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस हिसाब से समझ चलता है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के साथ आपने कोई दुर्व्यवहार कर दिया, उसको मारा उसको पीटा उसके हाथ पैर तोड़ने की कोशिश की, तो ऐसे में जो केस होगा वो क्या होगा, पर्सन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार या इंडिया, क्यों, तब ऐसे में ये माना जाएगा उस पर्सन ने पूरे के पूरे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसने पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहां पे पर्सन वर्सेस क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, जिस व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचा है उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के बिहाफ पर केस कौन लड़ेगा, भारत सरकार, क्योंकि आप कंप्लेंट लेकर जाओगे पुलिस के पास, जी मेरे साथ इसने क्या किया, मारपीट की है, इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। जब वो पर्सन पुलिस के पास जाएगा पुलिस क्या करेगी, उसे प्रोटेक्शन देगी, उसे जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, तो उसका जो केस होगा वो तो लड़ेगी भारत सरकार या पुलिस एक तरह से देखा जाए तो। और यहां पर जिस व्यक्ति ने वो क्राइम किया वो व्यक्ति क्या करेगा, यहां पर अकेले फाइट करेगा, बात समझ आई। पर इस्लाम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या है, इसे पर्सन टू पर्सन ही डील किया जाता है। अब पर्सन टू पर्सन डील हो रहा है तो क्या होगा, तो होगा ये जो आदमी जिस तरीके से है उस तरीके से डिस्कशन कर लेगा, और जब सुलह मशवरा की बात आई कि मतलब कुछ भी कर लिया कोई भी क्राइम कर दिया उसके बाद सुलह मशवरा करवा लिया कि चल ठीक है, अच्छा ठीक है मैंने तेरे घर में 1 लाख रुपए की चोरी की है तो एक काम कर तू मेरे घर से 1 लाख रुपए का सामान उठा ले, बात बराबर हो जाएगी। कुछ इस तरीके की स्थिति कि आपने किसी के ऊपर अगर एसिड फेंक दिया और ये साबित हो गया तो वो क्या करेगा, बदले में आपके ऊपर एसिड फेंकेगा। बड़ी ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, सोचो आप लोग। तो इसीलिए यही जो चीज है कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं क्या एक बहुत अजीब स्थिति पैदा कर रही है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये, जब से आजाद हुए तब से लेकर आज तक मोर देन 75 ईयर्स हो रहे हैं, अभी तक हम लोग इसको लागू नहीं कर पाए, ठीक है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है, इसका महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है इसमें कहीं ना कहीं। तो ये कहां पे बताया गया है, ये इंडिया के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 में बताया गया है। क्या बताया गया, यूसीसी क्या कहता है कि एक देश में एक जैसा कानून होगा सभी लोगों के लिए, एक समान कानून होगा, कैसा होगा, एक समान कानून होगा। एक समान कानून की जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो एक समान कानून से यहां पे क्या मतलब है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट
ग्रुप्स हैं, सबके जो पर्सनल लॉ हैं क्या? पर्सनल लॉ हैं ये सभी के सभी क्या समाप्त होंगे? और इन सब की जगह क्या आएगी? एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी आएगी, यूनिफॉर्मिटी मतलब बोले तो समानता आएगी। ये समानता किसको लेकर होगी? लॉ को लेकर होगी। किसको लेकर? लॉ को लेकर। कानून सभी के लिए, लीगल चीजें कैसी हो जाएंगी? एक जैसी मानी जाएंगी। आई होप बात समझ में आई, क्लियर है यहां पे बात? कई लोगों का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं क्या हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है? अबॉलिश करता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, पर यूसीसी मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, परंतु ये मौलिक अधिकारों का कहीं पर भी हनन नहीं करता। ये बात भी आप लोग ध्यान रखो, कहीं से कहीं तक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं पर भी हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं करता, ना ही उनको कंट्रोल करता है, ना ही उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है यहां पर? पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों देश मुस्लिम कंट्री हैं और इन तीनों में यूसीसी इंप्लीमेंटेड है। आप लोग कहते हो कि सर हमारी पाकिस्तान से क्या बराबरी? अब कई लोग कहते हैं, बड़े उसमें आकर कहते हैं, सर पाकिस्तान से हमारी क्या बराबरी? आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर करते हो? इंडिया को कंपेयर करना है तो आप अमेरिका के साथ करो, इंडिया को कंपेयर करना है आप यूक्रेन के साथ करो, आप मतलब क्या वो यूक्रेन बोलो, सॉरी यूक्रेन के साथ तो बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड के साथ करो, आप फ्रांस के साथ करो, आप इटली के साथ करो, जर्मनी के साथ करो, आप उनके साथ कंपेयर करो इंडिया को। लोग ये कहते हैं, बड़े उसमें कहते हैं जापान के साथ कंपेयर करो। अरे भाई कंपेयर तो उसी से किया जाएगा ना जो हमारा पड़ोसी होगा, जो हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारी जैसी स्थिति में। आज के टाइम पर आप चाइना के साथ देख लो, चाइना से ज्यादा बेटर लोग इंडिया को मानते हैं, ठीक है? आप पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ, देख लो पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है। और ये छोड़ो, हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एकदम छाती चौड़ी करके कि सर फ्रांस एक बहुत बेटर कंडीशन में है, फ्रांस देखो सर कितना लिबरल है, कितना अच्छा है, कितनी फ्रीडम है वहां पर। आप देख लो आज के टाइम पर क्या स्थिति है फ्रांस की। यूसीसी आ जाएगा तो इससे एक इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा ना कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको भी हम लोग फिर उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। बाहर से आने वाले मतलब कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ रोहिंग्यास की, तो कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क पड़ेगा। और लोग यहां पर इसी चीज को क्या कर रहे हैं? टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो देखो मैंने काफी हद तक आपको इंट्रोडक्शन का एक काफी बड़ा पार्ट दे दिया, आपको आर्टिकल भी बता दिया, सारी चीजें बता दी, क्या उसमें लिखा है ये भी आपको बता दिया, चीजें आपको वर्ड्स किस तरीके से लिखने हैं, क्या आपको लिखना है ये भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है ना? अब अगर हम यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो भी पर्सनल लॉ है, मैंने अभी पीछे खैर बताई पर्सनल लॉ है, उसको समाप्त करके क्या एक सिविल लेवल पर एक कंप्लीट क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, एक सिंगल ऐसा एकीकृत कानून बनाया जाए जो सभी के साथ एक जैसा बिहेव करता हो। अब एक जैसा बिहेव कैसे? कोई किसी भी एक्स वाई जेड रिलीजन की महिला है, सॉरी फॉर दिस कि आज सारे के सारे एग्जाम्पल एक्चुअल में मुस्लिम रिलीजन को लेकर हो रहे हैं, किसी भी एक्स वाई जेड रिलीजन की महिला है, जितने भी इंडिया में रिलीजन है उन सभी को जब डिवोर्स मिलना होता है तो बड़े आराम से उनको डिवोर्स मिलता है, उनको उनके सारे के सारे हक मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। परंतु वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, मुस्लिम रिलीजन की, तो यहाँ पे तलाक के भी अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो अलग अलग तरीके हैं इनमें से जो तीन तलाक कई बार हम लोग सुनते हैं, एक तलाक तलाक बिद्दत होता है जो सबसे ज्यादा है चर्चा में, ठीक है? अब इसमें क्या है कि आदमी एक बारी में बोलता है तलाक 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 और वो तलाक मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ ऑफ इस्लाम, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आप उसको लेकर, कोई महिला उसको लेकर कोर्ट में भी नहीं जा सकती, वो बिद्दत, ये तलाक बिद्दत इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ईमेल के थ्रू तलाक दे सकता है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को
मैसेज करके बोल सकता है, जवान पर बोल सकता है, उसके सामने मुंह पर बोल के भी कर सकता है, चाहे तो रिटर्न में दे सकता है, तो उसे मान लिया जाएगा। इवन पुलिस क्वेश्चन नहीं कर सकती, अदालत क्वेश्चन नहीं कर सकती उस आदमी से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस महिला के अधिकार तो मारे गए, वो महिला तो बेचारी पिसती रहेगी जीवन भर, उसके साथ उसके बच्चे हैं, उसका पूरा बुढ़ापा है, आप खुद सोचिए। तो ऐसे में आपके सामने केस आता है कौन सा, एक बहुत फेमस केस है शाहबानो केस। शाहबानो केस हुआ था कब, 1985 में। 1985 में ये जो केस था शाहबानो केस, इस केस के टाइम पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब आप कितनी भी बड़ाई कर लीजिए, मगर इस तरीके का काम जब हुआ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि क्यों ऐसा केस विचारधारा के साथ किया। तो शाहबानो केस जब यहाँ पे हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट के ऊपर ये बात आई। उन्होंने इसको बदलने के लिए, उस वर्डिक को बदलने के लिए क्या किया, इस चीज को पार्लियामेंट में लेकर आ गए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट ना होने से सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा शाहबानो केस को। शाहबानो को जब तलाक दिया था उनके पति ने, भोपाल की महिला थी, इनके पति ने जब इनको तलाक दिया था, वो भी एक वकील थे, सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे व्यक्ति, सोचो वकील आदमी। तो उन्होंने जब अपनी वाइफ को तलाक दिया, तो उस टाइम पर मतलब हुआ पूरी कहानी थी, पहले कम उम्र में शाहबानो की उनके पति से शादी हो गई। शादी हुई तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद बच्चे बच्चे हुए, उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक और शादी कर ली। शाहबानो ने अपनी दूसरी वाइफ, मतलब जो अपने पति की दूसरी वाइफ थी, अपनी एक तरह से बोले जाए तो दूसरी जो वाइफ आई है अपने हस्बैंड की, उसके साथ रहना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद उनके पति ने शाहबानो को दे दिया तलाक, और तलाक देकर बोला कि मैं तुमको 200 रुपये महीने का खर्चा दूंगा। उस समय पर 200 रुपीज क्या मंथली तुम्हें एलोमनी दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद शाहबानो ने बोला 200 रुपये तो बहुत कम है, ये कैसे हो सकता है। और ये 200 रुपये भी एक्चुअल में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देने की बात तो मानी, कुछ महीनों के बाद ये 200 रुपये देने बंद कर दिए उन्होंने। अब जैसे ही ये 200 रुपये देने बंद किए, तो उसकी वजह से हुआ क्या, शाहबानो पहुंची के कोर्ट में, कोर्ट में पहुंची, कोर्ट में सोचो, तो कोर्ट में उस समय कोर्ट में ये जो 200 रुपये की रकम थी, इसे घटाकर केवल 20 रुपये कर दिया गया। सोचो कितना, 20 रुपये कर दिया गया, कितनी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। उसके बाद शाहबानो पहुंची हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुंची तो इस रकम को फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 179 रुपीज कर दिया गया। कितनी अजीब बात है, वो महिला अपने साथ अपने बच्चों को लेकर रह रही है और उसको आप लोग 179 रुपीज महीने का खर्चा दे रहे हो। अदालतों को, मतलब हमारी जुडिशियल सिस्टम को खुद शर्म आ जानी चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ, किसी के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं कि केवल 20 रुपये उसको हर्जाना दे रहे हैं तलाक के बाद। आप खुद सोचिए ऐसे में आप किसी के लिए किस तरीके से इक्वल राइट्स लेकर आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं यूसीसी यहां पर क्या इन सभी इक्वल राइट्स को क्या लाने की कोशिश करेगा, वो समानता लाने की कोशिश करेगा, इक्वलिटी लाने की कोशिश करेगा, सेकुलरिज्म, ठीक है, सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स को लाने की बात करेगा। और मैं मेनली अगर कहूंगा तो ये जो यूसीसी है, ये कहीं ना कहीं इंडिया में एक सोशल जस्टिस रिफॉर्म लेकर आने की कोशिश करेगा, और ये सोशल जस्टिस रिफॉर्म भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर से महिलाओं के लिए। मैं आपको बताता हूँ, भीमराव अंबेडकर जी के ये शब्द हैं कि अगर आपको किसी भी समाज, किसी भी देश की स्थिति को जानना है, तो आप कुछ मत कीजिए, उस देश की महिला और उस देश के बच्चों की स्थिति को देख लीजिए। अगर उस देश की महिला और बच्चों की स्थिति अच्छी है, तो 100% है वो देश आगे बढ़ रहा है। अगर वहां पे बच्चों की और महिलाओं की स्थिति खराब है, तो वो देश बहुत पीछे है। आपके सामने मैं कुछ यहाँ पे पर्सनल लॉ लेकर आया हूँ। तो हिंदू विवाह अधिनियम यहाँ पे लाया गया था 1955 में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लाया गया था 1961 में, हिंदू अल्पव्यक्त या संरक्षण अधिनियम लाया गया था जो बच्चों का जो होता है, ठीक है, 1956 में, और हिंदू दत्तक व भरण पोषण, वही जो गोद लिए जाते हैं बच्चे, उनके लिए था ये, ठीक है, ये कब लाया गया था, 1956 में। अगर आप देखोगे हिंदुओं के लिए जो रिफॉर्म्स थे वो एक जैसे लाए गए, सेम टाइम पर एक ही बारी में सारे रिफॉर्म ला लेकर आ गए। भारतीय ईसाई अधिनियम आया था 1872 में, जब अंग्रेज थे उसी टाइम पर ही आ गया था। तो जो हिंदुओं के लिए बिल दनादन दनादन आया और लगातार इसको पास कर दिया गया,
और ये जो मैंने आपको शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू के वर्ड बताए थे वो इसी टाइम पर बताए थे। इसी टाइम पर जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि भाई मुसलमानों के लिए कब ये चीज़ें आएंगी, मुसलमानों को लिए क्यों नहीं यूसीसी या सभी देश पूरे देश के लिए यूसीसी क्यों नहीं लागू कर देते। हर धर्म के लिए अगर आप अलग से एक पर्सनल लॉ लेकर आओगे तो इससे अव्यवस्था फैलेगी। तब ये वर्ड नेहरू जी के थे कि जब तक मुसलमानों की स्थिति हिंदुओं के समान ना हो जाए, जब वो उनकी विचारधारा उनके जैसी ना हो जाए, तब तक मुसलमानों को या देश में यूसीसी लाना सही नहीं है। फिर यहाँ पे आता है इंडिया में काजी अधिनियम 1880 में, अंग्रेजों के टाइम पर। 1837 में आता है शरीयत अधिनियम कि मुसलमान अपने शरीयत अधिनियम को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मुस्लिम विवाह अधिनियम यहाँ पे आता है कब, 1939 में। इसमें चार विवाह का अधिकार दे दिया गया मुस्लिम पुरुषों को, ठीक है। महिलाओं के पास जो अधिकार थे वो पूरी तरह से इसमें समाप्त कर दिए गए थे शरीयत और मुस्लिम विवाह अधिनियम में। फिर मुस्लिम महिला के लिए जो अधिनियम आया था संरक्षण के लिए, आया था 1986 में। और अनफॉर्चुनेट कंडीशन, कितनी शर्म की बात है, आप खुद सोचिए। शाहबानो केस मैंने आपको बताया था कब, 1985 में, और यहाँ पे महिलाओं के संरक्षण के लिए 1986 में ये जो अधिनियम लाया गया था ये केवल नाम मात्र का अधिनियम था, और इसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होने से मना कर रहे थे मुस्लिम लोग, मना कर दिया था, नेता साथ नहीं थे। पर इसमें भी कुछ चेंजेस करके और सारी चीजें जब एकदम हो गई, कंट्रोल में आ गई पुरुषों के, तब जाकर इसको यहाँ पे लागू किया गया। तो जो किस तरीके का संरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। पारसी अधिनियम जो तलाक का था वो तलाक और विवाह का था वो आया था 1936 में। तो ये कुछ पर्सनल लॉ हैं जो आपको यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा विवादित जो पर्सनल लॉ हैं वो एक्चुअल में यहीं पर हैं, इस्लामिक जो पर्सनल लॉ हैं, इसलिए बार बार यहाँ पे हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ या इस्लामिक पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा हाँ, अब यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट्स यहाँ पे जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1954 की बात की जाती है। 1954 में यहाँ पे क्या मैरिज एक्ट लाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था पर्सनल लॉ के अंतर्गत। 1956 में यहाँ पे क्या क्या हिंदू कोर्ट बिल लाया गया, ठीक है। जो हिंदू कोर्ट बिल लाया गया ये एक तरह से कॉमन इंडियन सिटीजन्स के लिए था, पर इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया, जो कॉमन इंडियन सिटीजन्स थे उनको और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको, दोनों को क्या कर दिया, एक तरह से डिवाइड कर दिया गया। फिर 1986 में यहाँ पर शाहबानो केस के बाद क्या अलग से राइट्स लाया जाता है महिलाओं के संरक्षण के लिए, मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी यूसीसी के लिए, परंतु उनकी जो सरकार थी वो उस समय पर गठबंधन वाली सरकार थी, मजबूरी थी कि वो लेकर आ नहीं पाए। परंतु उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया था। वो चाहते थे कि मुस्लिम लोग आगे बढ़ें, अपनी धार्मिक कूट नीतियों से क्या बाहर निकलें, ठीक है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली दोबारा ये चीज अपनी वर्डिक दोबारा दोहराई कि जितना हो सके एज सून एज पॉसिबल इसको क्या किया जाए, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए, ये चीज कही। लॉ कमीशन ने भी 2016 में कहा, और इस बार भी लॉ कमीशन ने कहा है कि एक महीने में इसके ऊपर क्या पूरा ड्राफ्ट तैयार करके, पूरा बिल तैयार करके आप हमारे सामने प्रेजेंट करो। मानसून सेशन में फाइनली इसके ऊपर डिस्कशन अब होगा ये उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो कह रही है नहीं, ये एक महीना तो बहुत कम है। अरे कैसी बेवकूफी वाली बात है, खुद सोचिए कितनी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि आज भी आप लोग कह रहे हो कि एक महीना कम है, जबकि आजादी के बाद से इतने साल हो गए हैं, मोर देन 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको अभी भी टाइम चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन का। मतलब कितनी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, ये वही लीडर्स हैं जो पिछले 10-20 सालों से शाहबानो केस से लेकर सरला मुदगल केस और जॉन वी केस, इन सारे केसेस को देखते हुए आ रहे हैं। ये सारे के सारे वही पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, ये अभी भी कह रहे हैं। मतलब इतने लंबे टाइम से आप लोग इतने सारे केस देख रहे हो, सारी डेवलपमेंट देख रहे हो, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि अभी हमें टाइम चाहिए। मतलब कितनी अजीब बात है। फाइनली अब जरा यहाँ पे बात करते हैं और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यूसीसी का अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इक्वालिटी एंड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। रिलीजियस के बेस पर किसी भी तरह का जो अनइक्वल जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है, लॉ जो सबको अलग अलग नजर से यहाँ पे देख रहा है पर्सनल लॉ की वजह से,
इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सोशल जस्टिस, मैंने आपको बोला कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्या सोशल जस्टिस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को ये प्रमोट करने की कोशिश करेगा और लोगों में इक्वालिटी भी लेकर आएगा, सबसे पहली चीज। अब आप खुद सोचिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम या शरीयत बैंक में अकाउंट खुलवाना या बैंक में पैसे रखना और उससे इंटरेस्ट लेना गलत है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से तो इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं जो इन्होंने बैंक में पैसा रखा, उनको बैंक में पैसे रखते टाइम बैंक को ये बोलना चाहिए कि आप सिर्फ हमारा पैसा सेव करो और उस पर इंटरेस्ट मत लो। जबकि ऐसा 2012-2013 की बात है, इंडिया में एक इस्लामिक बैंक इस्टेब्लिश भी हुआ था, पहला इस्लामिक बैंक केरल में इस्टेब्लिश हुआ था एट द टाइम ऑफ रघुराम राजन। ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि इंडिया में कितना ज़्यादा डिवीज़न चल रहा था उस समय पर, कि मतलब एक इस्लामिक बैंक इंडिया में इस्टेब्लिश किया। आप कहोगे सर ये तो अच्छा है, ये इस्लाम के नियमों के अनुसार है, अकॉर्डिंग है, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं यहाँ पर वो करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ये अच्छा है। अरे भाई, ये तुमको लग रहा है अच्छा, पर वो बैंक थोड़ी सोच रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में दे रहे हैं और वहां से बेनिफिट ले रहे हैं, वहां से वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं दबाकर बैंक वाले। तो भाई जब बैंक पैसा कमा रहा है तो क्यों ना लोगों को भी बेनिफिट दे। ईएमआई, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें बैंक में, मतलब सॉरी इस्लाम में गलत है। तो जब आप लोग यहाँ पे इक्वलिटी की बात करते हो तो यहां पर भी इक्वलिटी की बात की जानी चाहिए, यहां पर भी सोशल जस्टिस को ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आई? फिर आगे चलते हैं, क्या बढ़ेगी यहाँ पे, एक एफिशिएंसी बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। किसकी? लॉ को हैंडल करने की। लोगों को जल्दी क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। जब एक सिंगल अंडरस्टैंडिंग, एक सिंगल लॉ बन जाएगा, सिंगल एक लीगल सर्विसेज अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए, तो सबके लिए एक जैसा कानून होगा, तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, सबके लिए न्याय बनेगा। अभी तक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अब आप खुद सोचो कि मान लो अभी आप लफ्ज़ जिहाद वाला टॉपिक आता है, तो ऐसे में मान लो कोई लड़की या कोई महिला, कोई पुरुष हिंदू मुस्लिम आपस में शादी कर लेते हैं। अब आपस में शादी की, लड़की ने बोला मैंने तो अपना रिलीजन छोड़ा ही नहीं था इस्लाम, लड़का बोलता पर मैं तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग तलाक दूंगा, लड़की बोले नहीं पर मैंने तो इस्लाम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर रखा है मुझे इस्लाम के, लड़का बोलेगा भाई तू अगर इस्लामिक है तो तुझे मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग लॉ वो तलाक दे देता हूँ, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लड़की बोलेगी नहीं मुझे तो हिंदुओं के अकॉर्डिंग ही तलाक चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा दोगे तुम मुझे, तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा राइट मिल जाएगा। और वहीं पर कोई अगर हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, फिर उसके साथ क्या होगा? वो यहाँ पे बोलेगी नहीं मैंने रिलीजन चेंज नहीं किया, पर लड़का बोलेगा चेंज किया हो ना किया हो मैं तो इस्लाम के अकॉर्डिंग ही तुझे तलाक दूंगा। बात समझो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अनजस्टिस वाली कंडीशन होती है ये समाप्त हो जाएगी। तो एक तो अनजस्टिस समाप्त होगा, साथ साथ क्या एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी आएगी, लीगल सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत आसानी से लोगों को क्या मिल पाएगा यहाँ पे, सर्विसेज मिल पाएंगी, न्याय मिल पाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। फिर आता है यहाँ पे डेवलपमेंट, नो डाउट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। ये एक इक्वल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा सभी रिलीजन के लोगों के लिए, सभी के लिए क्या, एक जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, एक जैसे इकोनॉमिकल बेनिफिट सबको अवेलेबल करवाएगा। क्लियर यहाँ पे ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को बराबर? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। ये आता है मेन टॉपिक हमारा, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है कि भाई कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, सेक्युलरिज्म के ऊपर खतरा हो जाएगा। अगर ये फॉलो होता है तो इस्लामिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आज के टाइम पर जो डिबेट चल रही है, परंतु ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर ये लॉ पास आता है, ये लॉ अगर पास हो जाता है, ये सामने आ जाती हैं चीज़ें, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो ये 100% है कि आपको बराबर नजरिए से देखा जाएगा, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। और 100% है सेक्युलरिज्म इससे और ज़्यादा स्ट्रांग होगा कहीं ना कहीं। भाई सीधी सी बात है, जो बेनिफिट हिंदुओं को दिए जा रहे हैं वो बेनिफिट इस्लामिक लोगों को भी मिलेंगे, जो इस्लामिक लोगों को मिल रहे हैं वो हिंदुओं को भी मिलेंगे, जो सिख को मिल रहे हैं वो ईसाई को मिलेंगे, ईसाई को जो मिल रहे हैं वो हिंदुओं को मिलेंगे, तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा ना, तो सेक्युलरिज्म तो यहाँ पे स्ट्रांग होगा। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं सर हमें पर्सनली अलग से बेनिफिट चाहिए, हमें थोड़ा सुपीरियर बनना है, तो वो गलत है, समझे। तो यहां पर एक्चुअल में भाई फंडामेंटल राइट क्या है, गारंटेड राइट है ना, क्वालिटी वाली क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, आई होप आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो फंडामेंटल राइट जब गारंटेड राइट है तो 100% है कि यूसीसी कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट को भी एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है।
ना कहीं क्या कर रहा है, उनको एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्स, अब ये डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी वाली प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे सोचो, हिंदुओं में गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, आपने सुना होगा, एक सेम गोत्र में हिंदुओं में विवाह नहीं होता। हिंदू और सिख जो हैं, ये जैन और बौद्ध, इन चार में क्या एक सेम गोत्र में विवाह नहीं होता, हिंदू सिख जैन और बौद्ध, जबकि वहीं पर इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या आप केवल अगर अपनी माता से पैदा हुए हो तो ही आप अपनी भाई बहनों से शादी नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या आप किसी से भी क्या कर सकते हो, शादी यहां पर कर सकते हो, ये चीज आती है क्या अकॉर्डिंग टू इस्लाम आती है। ठीक है, तो यहां पर क्या ये जो चीज है, अब इसको लेकर आप कहोगे सर ये तो फिर विवाद क्रिएट होगा ही होगा। तो देखो ये जो शादी विवाह, ये क्या है, ये पर्सनल, इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पर जहां अधिकारों की बात होगी, जैसे जब हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर, डिवोर्स को लेकर बात करेंगे, तलाक को लेकर बात करेंगे, तो वहां पर अधिकारों की बात होगी, तो वहां पर यूसीसी आपके ऊपर डंडा कर देगा। शादी करना चाहते हो ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप कर सकते हो, अपनी फूफी से, चाची की बेटियों से, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई मना नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये चीज मत सोचना कि सर ऐसा होता है, आप खुद सोचिए, जो मैंने अभी आपको इस्लामिक कंट्रीज बताए उन सभी में यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट है, पर वहां पे कहीं पर भी ये समस्या हमको देखने को मिलती, वहां पर कहीं पर भी इस्लामिक लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, जबकि वो सारे के सारे देश इस्लामिक बताए, जिनके मैंने नाम बताए स्पेशली आपको। फिर यहाँ पे क्या बात होती है, सोशल जस्टिस फॉर वुमेन राइट, सोशल जस्टिस फॉर वुमेन राइट। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक केस, कौन सा, शाहबानो, इसके अलावा एक और था, कौन सा, सरला मुदगल, ये हुआ था 1995। फिर एक है यहाँ पर क्या, जॉन वी केस, शायद पता नहीं यही नाम है, ऐसे कुछ है, जॉन वी केस, ठीक है, ये हुआ था 2003। इन तीनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज कही कि कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनको ये चीज फील हुई कि ये जो ट्रिपल तलाक, ये जो पॉलीगैमी है, ये जो अनइक्वल हेरिटेज ऑफ राइट्स है, ठीक है, ये पुरुषों के हाथ में जो सत्ता है, अगर इसको खत्म करना है तो उसके लिए क्या हमें यूसीसी लाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे शाहबानो केस है, वो आपको ज्यादा याद रखना है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया आप लोग को इक्वल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोसाइटी में समान अधिकार देने पड़ेंगे, इसके लिए क्या यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ये चीज यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोली है। ये सारे केस मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, सेशन ऑफ सोशलिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, पर्सनल लॉ प्रैक्टिस किसके बेसिस पर, सच एज तलाक, पॉलीगैमी, ठीक है, इनइक्वल हेरिटेज ऑफ द राइट्स, ठीक है, अंडरस्टैंड द डिग्निटी एंड क्या ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन, जब हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसी से, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये सारे के सारे लॉ मतलब केसेस बताए। भाई अगर आपने इस तरीके के फैक्ट, इस तरीके के केसेस को वहां पर डाला और उनको अंडरलाइन कर दिया, 100% सर एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा, एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा 100%। अगर देखा जाए तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, सोशल जस्टिस के लिए ना ये लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग देखें कि एक स्ट्रांग सोसाइटी, एक स्ट्रांग बेस, एक स्ट्रांग सोशल कल्चर को बिल्ड करने के लिए अगर देखा जाए तो ये लॉ अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे कई चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस कौन कौन से, सबसे पहले तो रिलीजन हो, रिलीजन में आपको पता ही चल गया है, मैं बार बार ये चीज़ बोल भी रहा हूँ, किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है, बुरा लग भी रहा है तो भाई थोड़ा बुरा लगना भी चाहिए ताकि आप में अंदर, आपके अंदर सुधार आए, या आपकी अगर सोच गलत है तो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ सोचने की समझ बन सके। फाइनली यहाँ पर सबसे पहली चीज़ नो डाउट रिलीजन को लेकर डिस्प्यूट है, लोगों के अंदर उतनी समझ नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस डालनी चाहिए। तो आप कहोगे सर अवेयरनेस के लिए हमको टाइम देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो बेटा पिछले मोर देन 75 ईयर से, जब से आज़ाद हुए हैं तब से समझा ही रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि आपके रिलीजियस लीडर, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आपको चाहते ही नहीं कि आप समझो, ठीक है, वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ो, इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति यहाँ पर है। तो धार्मिक समूहों को विरोध यहाँ पे बहुत ज्यादा है, रिलीजियस यहाँ पर सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हो रहे हैं, गलत वजह से, गलत कहीं कि उनको गाइड किया जा रहा है।
फिर कल्चरल डिफरेंस मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ही था एक, कि हिंदू सिख, जो हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग रिलीजन जो लोग चलते हैं, हिंदू सिख जैन बौद्ध, इनमें अगर आप शादी विवाह का तरीका देखोगे तो अलग है। वहीं पर अगर हम लोग मुस्लिम्स में, इस्लाम में अगर शादी विवाह का कल्चर देखें तो दोनों में अलग है। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कहीं ना कहीं यूसीसी में इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हैंडल किस तरीके से किया जाए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इकोनॉमिकल इनक्वालिटी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं उच्च स्तर के जो लोग हैं उनमें, और जो लोअर लेवल पर जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्या, एक इकोनॉमिकल इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर क्या बटा हुआ है, और ये आगे चलकर कहीं ना कहीं क्या एक इनइक्वालिटी पैदा कर सकता है, असमानता पैदा कर सकता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पर क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक जैसा समान स्तर आना ज़रूरी है। लास्ट में आप इसको क्या लिखोगे, ठीक है, कि इतनी सारे जो चैलेंजेस हैं इनके बावजूद भी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं हम लोग इसको देख रहे हैं ये किस तरीके से इंडिया में इक्वलिटी को, एफिशिएंसी को, डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, यहाँ पे बढ़ा सकता है, किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं हम लोग उसको किस तरीके से हैंडल करें। और यहाँ पे आपने क्या किया, फाइनल कंक्लूजन देना शुरू कर दिया। क्या कंक्लूजन दोगे आप यहाँ पे, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या क्या करेगा, कहीं ना कहीं मैनी ईयर्स से लगातार कई सालों से प्रपोज हो रहा है, कई सालों से हमारे सामने ये चीज़ आ रही है कि इसको क्या किया जाए, लागू किया जाए, इसके ऊपर लगातार कई सालों से बहस चल रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पर हम लोग भारत में इसकी ज़रूरत को क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझ में आई बात, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत को हम लोग क्या आज के टाइम पर भारत में क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और इसीलिए इस डिस्कशन को आगे रखते हुए, इसके चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, यूसीसी को आगे चल के लागू करना चाहिए। आप कहोगे सर पर उससे पहले लोगों में अवेयरनेस, देखो बेटा एक बात समझो, आप जब घर में अपने टीवी, फ्रिज या कुछ लेकर आते हो, आप कोई गाड़ी लेकर आते हो, कुछ भी लेकर आते हो, नो डाउट आप उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करते हो, बहुत सारी रिसर्च करते हो, बट जब प्रैक्टिकली आप उस गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू करते हो, उस सामान का इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। जो कमियां होती हैं वो आप क्या करते हो, आप सर्विस सेंटर जाते हो, वहां पर जाकर उसको चेंज करवाते हो, उस कमियों को ठीक करवाते हो। वैसे ही एक लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ है उसको अगर इंप्लीमेंट किया गया है तो उसमें जो कमियां आ रही हैं उनको आगे चलकर हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम लोग अमेंडमेंट करके क्या यहाँ पर चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। बात समझ में आई, तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हम लोग इसके लिए तैयार हैं, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी जरूरी चीजें होंगी उनमें चेंजेस किया जाएगा, हम गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको, तो सबसे पहले अगर कोई चीज अच्छी आ रही है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो। भाई इंडिया में जब सबसे पहले कंप्यूटर एजुकेशन आई थी तो क्या कंप्यूटर एजुकेशन लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, नहीं किया था ना, कितना विरोध किया गया था कंप्यूटर के लिए, पर आज के टाइम पर देखो कितने फायदे हैं उसके। सेम वैसे यूसीसी, नो डाउट आप विरोध कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, पर एक बार आप उसे मौका दो ना, काम करने दो, चीज़ें जब बदलेंगी, बेहतर होंगी तो आपके हाथ में, अगर चीज़ें नहीं सुधरेंगी तो हटा देना। तो सबसे पहले क्या चीज़ों को आने दो, इम्प्लीमेंटेशन होने दो, पहले उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, चीज़ें आएंगी आपके सामने आएंगी, उनमें सुधार करो, सुधार करके उनको और ज़्यादा बेहतर बनाओ। आप जब अपना नया घर बनवाते हो तो क्या करते हो, कुछ चीज़ें अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो कुछ सालों के बाद उसको चेंज करवाते हो, तोड़वा कर दोबारा बनवा लेते हो। तो सेम बिल्कुल वैसे ही आपका लॉ भी है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। फाइनली कंक्लूजन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है। ये पूरा ऐसे था, ये ऐसे जो था ये रिपोर्ट राइटिंग में भी आपके काम आएगा और ये आर्गुमेंट राइटिंग में भी काम आएगा। अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट की, आपका असाइनमेंट क्या है। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा टफ था, करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता था, तो हमने करंट अफेयर के हिसाब से या आज के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ही एक असाइनमेंट आपके लिए चूज किया है। असाइनमेंट क्या है, ट्राइबल राइट्स एंड सॉरी ट्राइबल राइट्स एंड कंजर्वेशन बैलेंस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडिजीनियस राइट्स, इंडिजीनियस राइट्स, जनजातीय अधिकार संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी अधिकारों को संतुलित करना, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक एसे राइटिंग करनी है, ठीक। आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक एसे राइटिंग करनी है। और ये एसे राइटिंग आप लोग कहाँ पहुँचाओगे, तो या तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली मेरे पास भेज सकते हो 8077
5218666, ठीक है। तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आप लोग मुझे बता सकते हो, अपना ऐसे यहाँ पे फॉरवर्ड करो, जो भी पीडीएफ फाइल है वो मेरे पास शेयर करो, मैं उस पीडीएफ फाइल के ऊपर आपको ध्यान दूंगा, अच्छे से उनको पढ़ूंगा, समझूंगा, देखने की कोशिश करूंगा क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, इस पर भी ध्यान दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपके वैल्यूएशन करना है वो मैं यहाँ पे अच्छे से करके आपको यहाँ पे रिवर्ट भी कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, असाइनमेंट आपको दे दिया है, असाइनमेंट ये करना है अच्छे से। अभी तक हम लोग जितने ऐसे की क्लास हुई है, रिपोर्ट राइटिंग की क्लास हुई है, आर्गूमेंट राइटिंग की क्लास हुई, अगर ये सारी की सारी भी आप अच्छे से कवर करके जाओगे तो एक अच्छा खासा माइंडसेट आपका तैयार हो जाएगा, एक अच्छी खासी लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहो, और जितना हो सके प्लीज़ यार हमें प्यार दो, अब वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और टॉपिक के अलावा मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप दे दिया है, आप लोग चाहो तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, 8077521866, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऐसे राइटिंग के जो भी आपके आंसर्स हैं वो मुझे सेंड कीजिए। साथ साथ प्लीज़ जितना हो सके आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके मैसेज हमारा, ये वीडियोस और भी लोग देख सके, क्योंकि इतने वैल्यूएबल चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना हमारे लिए भी अच्छा खासा एक मेहनत है। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।